गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शंकर लाल चौहान, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व की जो कक्षा थी उसमें महात्मा गांधी के प्रारंभिक परिचय में, इसके अलावा उनके द्वारा किया गया जो सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में था और दक्षिण अफ्रीका में जो सफलतम आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद वे भारत में आकर के कुछ स्थानीय आंदोलनों को एक प्रभावकारी भूमिका के अंतर्गत जो जनप्रिय और लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण छाप बना रहे हैं। देखिए, जो स्थानीय जो आंदोलन हुए, उस स्थानीय आंदोलनों के अंतर्गत चाहे वो बिहार के चंपारण का आंदोलन हो, चाहे वो गुजरात के खेड़ा आंदोलन हो या मिल मजदूरों का आंदोलन हो, उनका सफलतम संचालन और नेतृत्व करके इनकी जो समस्याओं का समाधान किया है, उसमें उन्होंने एक प्रकार की भारतीय लोगों के जनमानस पर एक अमिट छाप बना दी। इस अमिट छाप से अब गांधी जी एक ऐसे नेतृत्व के धनी बन गए हैं जो भारत में होने वाले जो शोषण हैं, जो भारत में होने वाली जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों का पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और उस विरोध के अंतर्गत महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। हमने इसके पूर्व के अध्ययन में ये देखा था कि जैसे कि उस समय की जो तात्कालीन जो घटनाएं थी, जिसके अंदर होम रूल आंदोलन था, इसके अलावा गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश था, इसके अलावा जो गांधी जी के द्वारा जो तत्कालीन जो घटनाएं थी उनका भी उन्होंने सफलतम प्रयोग किया था, इसके साथ साथ 1916 के अंतर्गत जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसके साथ साथ में जो 1917 का जो मॉन्टेग्यू का जो घोषणा पत्र है उसके माध्यम से भी गांधी जी को उस तात्कालिक स्थितियों का प्रभाव पड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश हुआ है, महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, देखिए हम पूर्व के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं कि पहला जो उदारवादियों का जो दौर था, दूसरा उग्रवादियों का दौर था। तो उदारवादियों का जो दौर है, तो उदारवादियों के अंतर्गत जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इन गोपाल कृष्ण गोखले की भी देहांत हो चुका है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो उग्रवादी जो नेता है, उग्रवादी नेता में जैसे लाला लाजपत राय, इनके भी उत्साह में क्या आ चुकी है, कमियां चुकी है, इनके उत्साह में क्या आई, उत्साह में कमी आ चुकी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और लाला लाजपत राय तिलक है। तो ये जो दौर चल रहा था, इस दौर के अंतर्गत क्या रही, अर्थात उत्साह की कमी आई है।
और इस अथा उत्साह की कमी के कारण गांधी जी को जो इस प्रकार की जो स्थितियां मिली, एक तरफ क्या हो चुका है भारतीय राष्ट्रवाद की जो स्थितियां हैं वो शीतल पड़ चुकी हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन का क्या हो रहा है दमनात्मक स्थितियों को और भी ज्यादा शोषणकारी प्रवृत्तियों के माध्यम में बढ़ाव मिलता है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश किन्हीं कारणों से हुआ है जो हम निम्नलिखित रूप से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गांधी जी का सबसे पहले ये देखा कि शुरू के अंतर्गत जब गांधी जी थे तो ये अंग्रेजों के बहुत ज्यादा सहयोगी थे। तो गांधी जी जो सहयोगी थे तो देखिए आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, याद है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये हुआ 1914 से लेकर 18 तक। इस 1914 से 18 के अंदर इस युद्ध के अंदर तक अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से इस विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से, ध्यान देना, अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था, और उस भारतीय सैनिक को भेजने में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका थी। इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया था, क्या दिया था, ये आश्वासन दिया था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको स्वशासन देंगे, हमको क्या देंगे, स्वशासन देंगे, और आपको शासन की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये वादा जो अंग्रेजों ने भारतीयों से किया था, इसलिए भारतीयों के अंदर के जो उदारवादी और जो उग्रवादी जो नेता थे, उन नेताओं ने अंग्रेजों की इस बात पर सहमति दी थी, और खासकर विशेषकर इनका जो सहयोग किया था वो सहयोग किया था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने इस सहयोग के कारण अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ये उपाधि दी थी केशर ए हिंद, ये उपाधि दी थी केशर ए हिंद, केशर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। आपको ध्यान देना, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेज सरकार के द्वारा नवाजा गया था, और वो इसलिए नवाजा गया था कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, और इस प्रेरित करने की वजह से ही क्या हुआ, इस प्रेरित करने की वजह से ही महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो इसका मतलब है शुरू के अंतर्गत महात्मा गांधी अंग्रेजों के सहयोगी थे, ये उदारवादी नेता थे, महात्मा गांधी उदारवादी नेता थे, और ये उदारवादी नेता होने के कारण इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, और इन अंग्रेजों के समर्थन के कारण ही ये क्या बन गए थे, सहयोगी बन गए। तो शुरू में तो अंग्रेजों के प्रति, शुरू में तो महात्मा गांधी जी की जो नीति थी वो अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति की नीति थी, उनकी सहयोग करने की नीति थी, और इस सहयोग करने की नीति के द्वारा ही उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था, समर्थन किया था। उसके बाद में हम देख रहे हैं गांधी जी सहयोगी से असहयोगी कैसे हो, पहले हमने देख लिया सहयोग पर, अब हम देख रहे हैं कि ये असहयोगी कैसे हो। गांधी जी का अंग्रेजों से असहयोग
अंग्रेजों ने जो वादा किया, एक नंबर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारतीयों का स्वशासन, भारतीयों को स्वशासन देना, ये जो वादा था, ये वादा स्वशासन देना का, इस स्वशासन देना, स्वशासन के आर, स्वशासन के आश्वासन को तोड़ना, भारतीय पूरी उम्मीद से, भारतीय लोग पूरी उम्मीद से और पूरी ताकत से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने भाग लिया और पूरी सेना ने भाग लेकर अंग्रेजों को इसमें फतह दिलाई और इस फतह देने के बाद उन्होंने यह सोचा कि अब भारतीयों को क्या मिलेगा, स्वशासन को शासन में भागीदारी मिलेगी। लेकिन जो भारतीयों की जो महत्वाकांक्षा थी कि युद्ध के बाद में हमको स्वशासन मिलेगा, ये स्वशासन मिलना तो दूर की बात, इनके साथ में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया, दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया। क्या होना दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया? पहली बात, जो भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे, उन भारतीय जो सैनिकों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भाग लिए थे, उन भाग लेने के बाद इनका जो वेतन था, वो वेतन पूरी तरह से उनको नहीं दिया गया। दूसरी, इनकी इन सैनिकों की दोबारा क्या कर दी इनको, इन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सैनिकों को क्या कर दिया गया, हटाया गया, हटा दिया गया। और हटाने से ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। सैनिकों को वेतन भी नहीं दिया गया, स्वशासन भी नहीं दिया गया, स्वशासन की जो मांग थी वो भी पूरी नहीं हो गई और उनको सेना से और हटा दिया गया। इस स्थिति से वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। एक तो पहली बात कि भारतीय जो सैनिक हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, इनको अपमानित किया गया कि जहाँ स्वशासन और वेतन और जहाँ इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वहां पर इनको क्या किया गया, इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। इसका मतलब इनको शोषण हुआ, इनको अपमान हुआ, इनको क्या किया गया, इनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो पहली बात तो ये, और उस समय के अंतर्गत एक तो सबसे बड़ा असंतोष, असंतोष का कारण ये बन गया। सबसे पहला असंतोष का कारण, एक तो असंतोष का कारण ये बना और दूसरा कारण ये है कि उस समय के अंतर्गत एक तो क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। वहां पर प्लेग और एंजू एंजू फेल एंजू प्लेंजिया नामक महामारी आ गई। इस महामारी से, इन महामारियों से क्या हुआ कि इन महामारियों से जो भारतीय लोगों की जो महामारी से जो अनेक प्रकार से जो क्या हुई, सैकड़ों लोग महामारी से मरते जा रहे थे, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे थे, इसका जो क्या हो रहा था कि जो बीमारियों का जो अकाल पड़ने से, एक तो बीमारी थी तो उनसे लोग कर नहीं दे पा रहे थे और इस कर नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अकाल पड़ गया तो उपज ही नहीं हुई, तो उनकी कर की जो रियायत थी वो रियायत में देकर के कर को क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। और दूसरी बात है प्लेग और एंजियोफिलिया के माध्यम से जो महामारियां हैं, इन महामारियों से जो क्या है कि सैकड़ों लोग क्या हो रहे थे, काल के ग्रास में मर रहे थे, तो ऐसे में रियायत देने के बजाय और इनको बचाने के बजाय इन पर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा था, अत्याचारी और शोषणकारी प्रवृत्ति अपनाई जा रही थी जिससे इनको और भी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो घोर जनता के अंतर्गत जो क्या थी, घोर निराशा का वातावरण हुआ,
अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों को जो स्वशासन देना चाहिए था वो स्वशासन न देकर के विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां थी वो और भी दर्दनाक बनती जा रही थी। और इन दर्दनाक स्थितियों के कारण जो जो निराशा का जो वातावरण बना, जो भारतीयों के प्रति जो अंग्रेजों का जो रवैया बना वो बहुत ही ज्यादा असंतोष का वातावरण बना। और इस असंतोष के कारण भारतीयों की जो स्थितियां थी और भी ज्यादा कमजोर बन गई, और भी ज्यादा दर्दनाक स्थिति से गुजर रही थी, जो और कर्मजनक स्थिति थी। और दूसरा कारण ऐसे वातावरण के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने क्या किया कि जो घोर निराशा और असंतोष का वातावरण, और उसके बाद में जो दूसरा जो कारण बना वो दूसरा कारण ये बना कि ऐसी ही स्थिति के अंतर्गत दमनकारी कानून बने। तो जब इस प्रकार का जो निराशा और असंतोष का वातावरण बना, तो इस निराशा और असंतोष के वातावरण के कारण ये जो जनता थी वो पूरी जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई और जगह जगह हड़ताल रैली प्रदर्शन करने लगी, और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत जन असंतोष हुआ। जन असंतोष के कारण बहुत ज्यादा अंग्रेजी शासन का विरोध होने लगा, और अंग्रेजी शासन का विरोध होने लगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनको राहत देना तो दूर, बल्कि इनको क्या किया, दमनकारी कानून बनाया गया। और इस दमनकारी कानून के अंतर्गत सबसे पहले रोलेट एक्ट का निर्माण किया गया। और रोलेट एक्ट मतलब इस जो भारत की जो इस प्रकार की जो निराशा असंतोष और जो जो हिंसात्मक गतिविधियों का जो वातावरण था, इस हिंसात्मक जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए सिडनी रोलेट के अंतर्गत क्या किया गया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी ने क्या किया, इस तत्कालीन स्थितियों का जो क्या किया गया, समीक्षा की गई। तो उसने समीक्षा के अंतर्गत एक कानून का निर्माण किया, और वो कानून रोलेट एक्ट के रूप से गया, जिसको भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है नो अपील नो दलील नो वकील। इसका मतलब है कि इस कानून का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए शासन द्वारा नजरबंद किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और उसके लिए कोई कानून है। जो भी व्यक्ति क्या करेगा, शासन का विरोध करेगा, शासन के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, शासन में जो असंतोष और निराशा के वातावरण को क्या कराएगा, बढ़ावा देगा, उस व्यक्ति को पकड़ करके ये सरकार क्या कर देगी, ये अनिश्चित समय के लिए उसे नजरबंद कर देगी, जिसके लिए वह इस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का अपील नहीं कर सकेगा, उसकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, उसके पास में कोई अपील। इसका मतलब है कि नो अपील नो वकील नो दलील, किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। जो अब तक के बने हुए कानून से सबसे बड़ा खतरनाक कानून माना जाता है। और इस खतरनाक कानून से भारतीय जो राजनीति थी और अंग्रेजों की दमनात्मक नीति थी वो खुल करके सामने आ गई। रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून की संज्ञा दी जाती है, इसमें नो अपील नो दलील नो वकील का काम किया गया। और इसके लिए जो दमनकारी कानून बना, जिसका पूरे भारत के अंतर्गत किया गया विरोध प्रदर्शन किया गया। जो पहले तो स्थितियां ये थी, निराशा और असंतोष का वातावरण है, और निराशा और असंतोष के वातावरण के बाद में इस प्रकार का जो कानून है, इस प्रकार से दो जो परिस्थितियां पैदा हुई है, इन परिस्थितियों से भारत में और भी जन असंतोष फैल गया। और इस असंतोष के अंतर्गत क्या किया गया कि इसका विरोध करने के लिए, ध्यान देना, इस रोलेट एक्ट ध्यान देना,
प्रश्न हमेशा ही आता है रोलर एक्ट क्या था, तो आप ये बताएंगे रोलर एक्ट अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा बना एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजी शासन का जो विरोध करता है, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार रोलर एक्ट क्या है, अंग्रेज सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित अनिश्चित या असमय पर कितने भी समय तक उसे नजरबंद किया जा सकता है और वो व्यक्ति सरकार से कोई भी जवाब नहीं मांग सकता है। तो ध्यान दें रोलर टैक्स अंग्रेजी शासन का सबसे दमनात्मक बनने वाला कानून था। तो देखिए आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा, ये छोटा प्रश्न था है कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश है, तो उससे गांधी जी अंग्रेजों से सहयोगी से असहयोगी कैसे बन गए? पहले तो गांधी जी क्या थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे, तो सहयोगी हो जाने के बाद उन्होंने दोबारा असहयोगी का वातावरण कैसे उत्पन्न हो गया? तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि भारत में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारतीयों को जो स्वशासन की जो देने का जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। दो नंबर पर भारत में असंतोष और निराशा का वातावरण पैदा हुआ। असंतोष और निराशा का वातावरण इसकी वजह से हो गया क्योंकि उनको स्वशासन की प्राप्ति नहीं हुई, और दूसरा है उसका दमनकारी कानून। तो दमनकारी कानून का विरोध, दमनकारी कानून बना रोलर टैक्स, उस रोलर टैक्स का और भी ज्यादा विरोध हो गया, और इसके विरोध करने के लिए क्या किया गया? देखिए ये जो रोलर टैक्स पारित किया गया था, तो ये किया गया था 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को सिडनी रोलर, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंतर्गत ये कानून पारित किया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं रोलेट एक्ट, अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया वह कानून जो किसी भी व्यक्ति को असमय पर अनिश्चित समय तक बंद नजरबंद किया जा सकता है, जिसके लिए वह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं कर सकता, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं रोलर टैक्स के नाम से जानते हैं, और इसी के कारण इसको काला इतिहास में काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। ध्यान देना काले कानून की संज्ञा किसे दी जाती है, काले कानून की संज्ञा रोलर टैक्स को दी जाती है। और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये परिस्थितियां पैदा हो गई थी, और इन परिस्थितियों के कारण जो असंतोष और निराशा का जो वातावरण है, इस वातावरण को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार वातावरण तैयार किया था, और इस वातावरण के कारण ही क्या हुआ, इस वातावरण के कारण और भी ज्यादा क्या बन गई है, स्थितियां खराब बन गई है। तो इसके बाद में तीसरा जो मुख्य कारण था, उसमें देखिए सबसे ज्यादा दमनात्मक, सबसे ज्यादा अत्याचारी, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, अब तक किया गया सबसे बड़ा क्रूर व्यवहार जलियांवाला बाग का हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 के अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो अब तक के इतिहास का, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा क्रूरता
किया गया एक, ध्यान देना जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट हुआ कब हुआ था 18, रोलेट एक्ट कब हुआ था 18 मार्च 1919, रोलेट एक्ट कब हुआ 18 मार्च 1919 के अंदर। तो ये रोलेट एक्ट क्या था, इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो नो अपील नो दलील नो वकील का काम किया गया, तो इसके अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत काफी आक्रोश पैदा हुआ, भारत के अंतर्गत खूब ज्यादा आक्रोश हुआ, अंग्रेजों के प्रति जो जितना अब तक का जो सबसे ज्यादा जो असंतोष था वो असंतोष देखने को मिला। इस आक्रोश का कारण सबसे ज्यादा क्या हुआ, भारत में इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, रोलेट एक्ट का सबसे ज्यादा, रोलेट एक्ट बनने से भारतीयों में सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ, सबसे ज्यादा असंतोष का वातावरण हुआ और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध प्रदर्शन के लिए क्या किया गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या किया गया कि इसके विरोध के अंतर्गत एक सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन, सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन हुआ और इस सार्वजनिक हड़ताल के अंदर ध्यान देना, सार्वजनिक हड़ताल के अंतर्गत क्या किया गया 30 मार्च इसका आयोजन कब किया गया 30 मार्च 1919 के अंदर इसका फैसला ये किया गया कि पूरे भारत के अंदर प्रत्येक सार्वजनिक हड़ताल की जाएगी, किसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, और ये सार्वजनिक हड़ताल एक सत्याग्रह का रूप लेगी। लेकिन इसको फिर स्थगित कर दिया गया था और इसको स्थगित करके इसको क्या कर दिया 6 अप्रैल ध्यान देना 6 अप्रैल को तय किया गया, क्योंकि तय 30 मार्च को इसको किया गया, लेकिन फिर इसको सब सर्वप्रथम फिर इसका क्या गया स्थगित, इसको स्थगित कर दिया गया और उसकी जगह क्या कर दिया 6 अप्रैल को इसको निश्चित कर दिया। और 6 अप्रैल के अंतर्गत क्या किया गया, इस आंदोलन को शुरुआती 6 अप्रैल के अंतर्गत इसको तैयार कर दिया गया और 6 अप्रैल के अंतर्गत धीरे धीरे इसका वातावरण तैयार हुआ और फिर 10 अप्रैल को क्या करा 10 अप्रैल को क्या हुआ 10 अप्रैल 1919 के अंदर ये इसकी शुरुआत हो गई है। फिर इसकी शुरुआत होने के पहले 30 मार्च को थी, 30 मार्च को फिर स्थगित कर दी गई, फिर इसको 6 अप्रैल को शुरुआत हुई, 6 अप्रैल के अंतर्गत एक वातावरण बना, 10 अप्रैल की घटना है, 10 अप्रैल की एक घटना है, 10 अप्रैल को एक घटना है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू डॉक्टर सत्यपाल और किचलू क्या किया, पकड़ लिया गया और पकड़ करके इस रोलेट एक्ट के खिलाफ उस पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। तो इस पर जो इनको पकड़ करके नजरबंद किया गया, जिससे और भी ज्यादा आंदोलन हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध के अंतर्गत आंदोलन हुआ, 6 अप्रैल शुरू हुआ और इसका वातावरण हुआ। फिर इस आंदोलन के तहत 10 अप्रैल में जो आंदोलन कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इसको भी पकड़ करके क्या किया गया, नजरबंद कर दिया गया, इसको भी क्या किया गया, नजरबंद, इसको भी नजरबंद कर दिया गया, इसको भी क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत और भी स्थितियां, भाई इन्होंने तो विरोध करने का मतलब है कि दमनात्मक नीति को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो फिर 10 अप्रैल 1919 के दिन क्या किया गया, 10 अप्रैल 1919 के अंतर्गत पंजाब के कौन सी जगह है, पंजाब के अमृतसर और जगह का नाम है जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हजारों व्यक्ति इस डॉक्टर सत्यपाल किचलू नजरबंद जो रोलेट एक्ट किया गया
गया, इसके विरोध के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण, क्या कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से, क्या है ना, शांतिपूर्ण तरीके से एक सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। और इस सार्वजनिक सभा के अंतर्गत, ध्यान देना, इस सार्वजनिक सभा के अंतर्गत तो जो जनरल था उस समय में पंजाब का जो क्या है, पंजाब में का जो जनरल है, जनरल वो है डायर। उस समय जो जनरल है वो क्या है, डायर है। और इस डायर ने इस शांतिपूर्ण सभा पर, शांतिपूर्ण सभा को बिना किसी सूचना दिए हुए चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर दिया, चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर दिया। और चारों तरफ से घेर करके उन पर अनाधुंध क्या चलाई, गोलियां चलाई। इस अनाधुंध गोलियां चलाने से वहां पर जो जो हजारों की संख्या में जो लोग थे वहां पर इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई, तो वहां पर भगदड़ के अंतर्गत बहुत से लोग घायल हो गए। और जब तक डायर ने जो घेर करके तब तक उन पर गोली चलाने के लिए, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जब तक उनकी गोलियां बीत नहीं जाती, तो उस भीड़ के अंतर्गत इतना दर्दनाक, इतना निर्दयतापूर्ण, इतना खतरनाक तरीके से जो कार्य किया गया, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूरतापूर्ण अंग्रेजी व्यवहार माना जाता है। इन प्रकार की जो घटना थी, इस प्रकार की जो घटना थी, इस घटना से पूरे देश में एक बहुत ही क्रांति का, बहुत ही खतरनाक असंतोष और निराशा के वातावरण को जन्म दिया, जिसमें प्रत्येक भारतीयों में जुनून का वातावरण तैयार हुआ और अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ करके फेंकने का संकल्प ले लिया। तो ये जो वातावरण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक से बिगड़ करके एक खतरनाक घटनाएं अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ की जा रही है, और उसी की वजह से भारत के अंतर्गत जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसी वजह से अंग्रेजी शासन का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो हम देखें कि भारत के अंतर्गत जो गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी कैसे बन गए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो वातावरण है कि भारत के अंतर्गत निराशा और असंतोष का वातावरण है, घोर निराशा है भारत के अंतर्गत क्या है। तो हम सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान देंगे, एक छोटा प्रश्न भी आता है, इसका बड़ा प्रश्न भी आता है, तीन प्रश्न है, रोलर डेट का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, गांधी जी के अंग्रेजों से सहयोगी से असहयोगी को मिलना, ये आधार क्या था। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहले देखिए एक प्रश्न आपका बनता है रोलर डेट क्या था, दूसरा प्रश्न ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या, तीसरा प्रश्न ये गांधी जी ने अंग्रेजों से सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए थे, ये सारे प्रश्न आपको इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें देखना कि सबसे पहले गांधी जी ने जो सहयोगी से असहयोगी कैसे बनाया, तो सबसे पहले एक बात, सबसे पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको बताता है कि घोर निराशा, घोर निराशा है असंतोष का वातावरण, असंतोष का वातावरण इसका जन्म। दो नंबर पर आप देख रहे हैं, दो नंबर पर आप दे रखे हैं रोलेट है, और तीन नंबर पर दे रहे हैं जलियांवाला, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड। इस प्रकार ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना रही हैं। और इस प्रकार हमने गांधी जी के सहयोगी से असहयोगी की स्थिति पढ़ी, उसके बाद में हम देखेंगे कि गांधी जी जो इस वातावरण को देख रहे हैं और अंग्रेजों का जो व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार के बाद में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां और भी ज्यादा असंतोष की, आक्रोश की, निराशा की, और भारतीय के जो
दंडात्मक जो अत्याचारी जो रवैया है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देने की है। हम अगर भी वीडियो में हम देखेंगे कि इस जलियांवाला बाग से रोलेट एक्ट से अंग्रेजों और भारतीयों के साथ में क्या प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया के बाद में भारतीय राजनीति में अगला कदम क्या होगा, क्या गांधी जी इस प्रकार से जो अंग्रेजी व्यवहार चल रहा है उस व्यवहार से भारत के अंतर्गत गांधी जी कौन सी ऐसी नीति अपनाएंगे जिसकी वजह से भारतीयों को गांधी जी का जो विश्वास था, गांधी जी के प्रति जो उम्मीद थी, वो उम्मीद उनकी कहाँ तक सफल होते हैं। तो हम आगामी वीडियो में देखेंगे कि क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड और के जो रूलर टाइप की जो परिस्थितियाँ बनी उन परिस्थितियों के बाद में गांधी जी लेकर के भारतीयों को और अंग्रेजों को लेकर के कौन सा रवैया अपना रहे हैं और इसके बाद में हम उसे पूरी तरह से क्या करेंगे इसको आगामी दृश्य में देखेंगे। धन्यवाद।